नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, झांसी, उत्तर प्रदेश से। अगर आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप 9235730222 पे अपना रिपोर्ट्स मैसेज कर सकती हैं और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आज बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं महीना बंद होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है, महीना बंद होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। मेरी ऐसी एक पेशेंट ने डिलीवर किया तो मुझे लगा मैं आपको पूरी उसकी हिस्ट्री बताऊं, जिससे आपको समझ आए कि यस इट इज़ पॉसिबल। ये जो पेशेंट है, इसकी शादी को 32 ईयर्स हो गए थे, 50 प्लस एज है, और 10 ईयर्स से इसको पीरियड्स नहीं हुए थे। फिर जब मेरे पास, एक्चुअली बहुत पहले 20 साल पहले लगभग, इसने मुझसे लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कराई थी, एंड उसके बाद मैंने बोला था आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। बट समहाउ शी वेंट अवे, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, कुछ नहीं हुआ। फिर हस्बैंड का कहना है कि हम तो हार मान चुके थे, लेकिन पेशेंट नहीं मानी, तो वो मेरे पास फिर से आए। मैंने उसकी एक बार हिस्ट्रोस्कोपी करी, लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी के बाद भी इसको पीरियड्स नहीं आए, सारे हार्मोन्स दिए, सब दिया, पीरियड्स नहीं आए। और पेशेंट की भी अच्छी बात है कि उसने मेरी हर बात मानी। फिर मैंने बोला दोबारा हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, और फिर मैंने PRP होता है, PRP का मतलब होता है जो हम ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, विच एक्ट्स लाइक अ स्टेम सेल की तरह ही, तो वो हमने इसका बनाया और फिर वो इंजेक्ट करा यूट्रस के चारों वॉल्स में। उसके बाद इसको मेडिकेशन दिया, PRP पे मैंने शायद एक वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको मेडिकेशन दिया एंड फाइनली इसके पीरियड्स आए। उसके बाद बहुत अच्छी एंडोमेट्रियम बनी। फिर हमने इसका ट्रांसफ़र किया, ब्लास्ट ट्रांसफ़र करे थे, 2 या 3, आई डोंट रिमेम्बर, आई विल हैव टू चेक। और उसके बाद शी कंसीव, BHCG पॉजिटिव आया। फिर हमने इसका अल्ट्रासाउंड किया तो हार्ट आ गई, एंड फाइनली उसने परसों, शी हैज़ डिलीवर्ड अ हेल्दी फीमेल चाइल्ड। अब आपको मैं पेशेंट की ज़ुबानी सुनिए, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड बाकी कोई भी क्वारी हो जस्ट व्हाट्सअप मी। तो आपको इससे बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। ऑल दो ये पुरानी पेशेंट है अब, लेकिन जो एज लिमिट है वो 50 हो गई है IVF करने की फॉर फीमेल्स एंड 55 फॉर मेल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सरोगेसी लॉ। तो आप प्लीज़ ज़्यादा लेट मत करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए या मुझसे कंसल्ट करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट लेट मत करिए। जैसे इन्होंने लेट करा, 20 साल तक कुछ नहीं करा, मतलब जो भी करा प्रॉपर वे में नहीं करा, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। नमस्कार। शादी कितने साल हुई थी? 32 वर्ष। इन 32 वर्षों में आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए। 32 साल के बाद 3-4 साल तो इंतजार किया सामान्य रूप से, सहज रूप से हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ और मैडम को दिखाने गए थे शहर वाले क्लिनिक में, वहाँ दिखाया, मैडम ने कोई ऑपरेशन भी किया था, हमने लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी किया, उसके बाद फिर सफलता नहीं मिली हमें, तो कुछ लापरवाही बस या अन्य कारणों से फिर हम घर में बैठ के रह गए थे। उसके बाद फिर हमने 2-4 जगह दिखाया, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली, और अंत में हमने तो आशा छोड़ दी। आशा छोड़ने के बाद फिर हमारी श्रीमती जी जब रोने गाने लगी, ज़्यादा जिद की, तो फिर हम मैडम से मिले और ईश्वर ने आज सफलता दी हमें, हम बहुत खुश हैं, अच्छी बात है। और मैडम के हाथ में खूब बरकत रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बस यही हमारा। इनका पीरियड भी बंद हो चुका था ना? पीरियड भी बंद हो गया। कितने साल पहले बंद हो गया था बेटा? लगभग दस साल पहले। फिर ट्रीटमेंट शुरू किया IVF का, पहले पीरियड्स लाए, फिर उसके बाद बच्चा रखा। पहली बार में ही आ गया बच्चा? पहली बार में आया, वो एक बच्चा आ गया जी। ओके, एक बच्चा आया, क्या हुआ है आपको? बेटी हुई है। बिटिया हुई है, खुश है जी? बिटिया के होने से फादर की बहुत तरक्की होती है, पता है आपको, और अब बिटिया आपको प्यार से रखेगी। आप बोलिए, मम्मी जी आप भी कुछ बोलिए, बोलो कुछ तो बोलो, क्या है आपके मन में, खुश हैं, और कुछ बोलो, और भी तो कुछ बोलो, मेरे लिए कुछ बोलो, हॉस्पिटल के लिए कुछ बोलो, स्टाफ के लिए कुछ बोलो। इलाज किया, क्या किया, कैसा किया इलाज, से कुछ से बस आपको बहुत अच्छे हम बीत के मिले, मां बन गया चाहिए, मां बन गया बस, जी हम तो मन मिली आपको, जीवन सफल हो गया है, संदर्भ में शादी, चलो
थैंक यू सो मच, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहती है बुआ जी, बोलिए प्लीज। हाँ जी, आप भी बहुत खुश हैं कि बड़े भैया भाभी की खुशी से, मैडम के प्रयास से बहुत खुशी हुई कि आज हम लोगों ने ये देखा कि बड़े भैया भाभी भी मम्मी पापा बन चुके हैं। राइट, चलो खुश रहिए, ध्यान रखिए, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए। थैंक यू, भगवान गणेश आपको बुद्धि प्रदान करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पे। थैंक यू। और सरस्वती का ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू। ऐसे ही सबको लाभ मिलते रहे, ये मेरी बस आप लोग की शुभकामनाएं और आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ती रहूं। थैंक यू सो मच।